मधुर लीलाएं की, जैसे कि देखो आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया। अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वो तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ भैया, क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं भैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। शारदा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है भैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों